नमस्कार, एमवी हेल्थ टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बाल यानी हेयर हमारी सुंदरता में इसकी अहम भूमिका होती है। तरह तरह की स्टाइल्स हमारी स्टंट करती है। हर किसी का सपना होता है कि उसके अट्रैक्टिव बाल हों। खासकर बालों से जुड़ी समस्याएं पुरुषों में ज्यादा देखी जाती हैं। असमयिक बालों का झड़ना, गंजापन होना और बालों का सफेद हो जाना कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी पे धब्बा है और इसी के चलते कुछ लोग ट्रीटमेंट्स की तरफ बढ़ने लगे हैं। इसका कारण ये भी है कि दवाइयों के द्वारा एकदम से बाल नहीं बढ़ाया जा सकता और यही कारण रहा है कि लोग अप्राकृतिक कारणों से अपने बाल बढ़ाने लगे हैं, जैसे हेयर ट्रांसप्लांट। और अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांट की सोच रहे हैं तो इन बातों को गौर से सुनिए और इसे ध्यानपूर्वक समझें कि इससे आपको क्या खतरा हो सकता है, ताकि आप जब भी हेयर ट्रांसप्लांट कराने जाएं तो इन खतरों से बच सकें। आजकल हेयर ट्रांसप्लांट का धंधा धड़ल्ले से चलाया जा रहा है। हेयर ट्रांसप्लांट की जगहों को क्लिनिक के नाम से प्रचारित किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाल ही में चेन्नई में एक हेयर सैलून में एक मेडिकल के छात्र की हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान मौत हो गई। पहले ही आपको बता दें कि हेयर ट्रांसप्लांट करने वाले सैलून या फिर क्लिनिक मेडिकल एसोसिएशन के अंतर्गत नहीं होते हैं और न ही इन्हें मेडिकल काउंसलिंग लाइसेंस देती है, लेकिन उसके बावजूद ये क्लिनिक हेयर ट्रांसप्लांट के नाम से चलाए जा रहे हैं। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि 2 या 4 दिन की ट्रेनिंग लेने के बाद लोग क्लिनिक और सैलून चलाने लग रहे हैं और उस क्लिनिक में हेयर ट्रांसप्लांट करने लग रहे हैं। ये तो ऐसे ही है जैसे किसी अनपढ़ को सर्जरी करने के लिए दे दिया जाए। आपकी जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए इस तरह से झांसे में लिए जाते हैं लोग। विज्ञापनों में हेयर ट्रांसप्लांट करने की दर कहीं 10 रुपए और कहीं 200 रुपए भी है। एक नजर में ये दाम बहुत कम लगता है, लेकिन इसे ऐसे समझिए, किसी गंजे व्यक्ति के सर में कम से कम 5 से 6 हजार बाल उगाने पड़ते हैं। किसी 50% से भी ज्यादा गंजे व्यक्ति को बाल उगाने में कम से कम 12 लाख रुपए लग सकते हैं। सस्ते से सस्ते सेंटर पर भी 60 से 70 हजार रुपए आराम से वसूल लिए जाते हैं। और ऐसे ही हेयर ट्रांसप्लांट की कंपनियों को देखकर झांसे में फंसा था चेन्नई का ये मेडिकल छात्र संतोष। जिस सैलून में संतोष ने अपने हेयर ट्रांसप्लांट कराए थे, उस सैलून के पास मेडिकल काउंसिल का लाइसेंस तक का नहीं था। छात्र की मौत के बाद पुलिस ने सेंटर बंद कर दिया। पुलिस ने उस हेयर सैलून पर केस भी दर्ज कर दिया। ऐसे ही कई मामले सामने आ चुके हैं। दैनिक भास्कर डेली में छपी एक खबर के अनुसार कम से कम भारत में 8000 करोड़ का व्यापार भारत में हेयर ट्रांसप्लांट में किया जा रहा है। हर साल बढ़ रहा है ये कारोबार। हेयर ट्रांसप्लांट के ग्राहक 85% पुरुष होते हैं। इसमें से 20 से 24 वर्ष के पुरुषों में हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर ज्यादा क्रेज देखा जाता है। अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार हेयर ट्रांसप्लांट करने वाली कंपनी के बारे में अच्छी तरीके से जांच पड़ताल कर लें। ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। तो दोस्तों, ये रही आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।